बाड़ी शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर शहर के अग्रवाल समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शहर में जुलूस निकाला, उपखंड कार्यालय पहुंच धरना प्रदर्शन किया, शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान काली पट्टी बांधकर अग्रवाल समाज की महिलाओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए शासन और प्रशासन को 3 दिन में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ पूर्व की घटनाओं के खुलासे की मांग की गई। साथ में चेतावनी दी गई, यदि कार्यवाही नहीं होती तो अग्रवाल समाज उग्र आंदोलन करेगा। बाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, महामंत्री सतीश चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में सबसे पहले अग्रवाल धर्मशाला में एक बैठक हुई, जिसमें समाज के लोगों ने शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की और पुलिस की नाकामी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। इसके बाद समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और अग्रवाल महासमिति धौलपुर के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंहल के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर समाज की महिला एवं पुरुष जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां शासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस और प्रशासन पर नाकारा होने के आरोप लगाए और आपराधिक पर लगाम लगाने की मांग की। इस दौरान अग्रवाल समाज द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को सौंपा गया, जिसमें पूर्व चिकित्सक डॉक्टर मेहंदीराम मीणा के घर पर चौकीदार को बंधक बनाकर लूट की घटना, शहर के बसेड़ी रोड स्थित एक गार्डन में शादी समारोह के दौरान दिन दहाड़े 2 लाख की लूट की घटना, डॉक्टर सुरेश मंगल के आवास पर मरीज बनकर आए आरोपियों द्वारा चिकित्सक को बंधक बनाकर मारपीट के मामले के साथ 2 दिन पूर्व व्यास कॉलोनी में घर में घुस महिला के साथ हुई चाकूबाजी की घटना के खुलासे की मांग की और चेतावनी दी, यदि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो अग्रवाल समाज 3 दिन बाद उग्र आंदोलन करेगा। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे विधायक गिरिराज मलिंगा को अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों ने वारदातों के साथ कई घटनाक्रमों की जानकारी देते हुए पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने की बात कही। इस पर विधायक मलिंगा ने लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक से मिलकर बाड़ी में वारदातों पर अंकुश लगे इसके लिए मांग करेंगे।